सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंजीत कोथ आज फतेहबाद में मौजूद हाँ। और आपने पता कि भाई आज शिवरात्रि है, लेकिन एक बोला ऐसा देखा हमने कि जिसके टांग भी कोनी और फिर भी कावड़ लिया है। किस उद्देश्य से लिया है सारी बात करांगे। इतनी दूर तो चल किया लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है। चलो बीच में भी चढ़ा इसका, लेकिन क्यों नहीं चढ़ाई अपना गांव में, अपना मंदिर में जो शिव भोलेनाथ का मंदिर, उसमें चढ़ाऊंगे तो सारी बात इनते पूछा के मन्नत भोलेनाथ ते मांग क्या है और के कुछ उद्देश्य से गया था। राम राम भोलेनाथ जी। राम राम। तो कब गए थे आप हरिद्वार? 10 तारीख ने। कितनी तारीख? 10 ने। 10 तारीख को गए थे और अभी आप लेट भी हो रहे हो, तो कहाँ चढ़ाओगे कावड़? कावड़ तो अपना शहर में चढ़ाऊंगा जाकर। कौन से गांव से आप? शहर से हैं, डब्बाली से हूँ। डब्बा वाली सिरसा के पास में? सिरसा के पास। अच्छा, किस उद्देश्य से गए थे आप यानी कावड़ लेके, क्योंकि आप विकलांग हो, दिव्यांग हो? ओ बस भाई श्रद्धा बन गई, बुला लिया उसका हुक्म हो गया यार, मैं चला गया। अच्छा, पहले भी ले आए हो या पहली बार? पहले एक ले आया मैं, ये दूसरी है मेरी बस। अच्छा, जोड़ा कर दिया? कर दिया मैंने। तो अब मैं हाथ जोड़े आया वहाँ। अच्छा, किस बात के लिए हाथ जोड़ के आया आप? मैं गया जो इसकी सेवा करनी है तो आपके शहर में कर लिया करूँगा, जोड़ा करना था मैं कर दिया। जी बिल्कुल, देख सकते हैं भाई जो श्रद्धा भाव है तो बिल्कुल टांग भी नहीं है और लेट क्यों चले भाई पूछांगे। और जो भोलेनाथ है हाथ जोड़ के आए कि भाई मेरे पे दो ही पुगी है और मैं ले आया, तो लेट आप किस तरह चल रहे हो, के कारण रहे हैं? कारण के यार भाई, यार देखो तो सफ़र कितना लंबा है यार, राजस्थान पुल पल भी पार करने पड़े यार, कल्ला जाना हूँ मैं यार, कोई और जो 2-3 जने हुए तो चल साथ धक्का दे गए, पुल पार करा दे गए, कल्ला हूँ तो भैया फिर नहीं होगा, लेट तो होऊंगा ही मैं यार। अच्छा, तो इसमें तो नहीं कुछ दिक्कत वगैरह हुई जो आपके रिक्शा? ना इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये जवाब दे गई, गोलियां पवाई इसमें मैंने रास्ता में बस। अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो भोलेनाथ जी है गंगा मैया से क्या कुछ प्रार्थना करके क्या मन्नत? ये करके आया मैं सही सलामत अपने घर पहुँच जाऊँ बस। और परिवार में कौन कौन आपके? परिवार में मेरे भाई हैं, मेरी मेरे माता पिता तो गुजरे हैं, भाई हैं, भाभी हैं, बहने हैं, चाचे हैं, ताऊ हैं बस। अच्छा, बाकी भतीजे हैं। तो परिवार वाले ने कुछ ये नहीं कहा कि आप ना जाओ, क्योंकि भीड़ भड़ा कर बहुत ज़्यादा हर एक? किसी ने कुछ नहीं कहा, उनको पता ही जावे जावे है। अच्छा। इस करके तमन्ना सी मैं जोड़ा करने की मैं कर दी बस, ये इच्छा थी मेरी पूरी। अच्छा। बस तो के मन्नत मांग के हो कुछ परिवार के लिए कुछ? और परिवार के लिए मन्नत मान के मेरे घर में खुशियाँ रहे, खुशहाली रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो बस, ये चीज़ मांग के आया समझ लो। चलो जी, धन्यवाद। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम महेंद्र है जी, महेंद्र डब्बा वाले से। हाँ जी, ठीक है। देखो महेंद्र जी है तो बोला है, और यो जल लेके आया, कावड़ लेके आया है, तो इस दिन कहा है हमें उसे जगह चढ़ावांगे जो अपना शहर है, गांव है, डब्बा वाले है, ओड़े चढ़ावांगे। तो साथियों आपके विचार के एक है, क्योंकि जो ये मामला है श्रद्धा भाव से जुड़े हुआ है, आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि में अभी भी फिलहाल डाक कावड़ जान लग रही है, तो वो उसका लेट सेट चढ़ेंगे, तो ये भी बोला है जो यो भी अपनी कावड़ ने गामे में चढ़ावेगा, तो इतनी और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि काफ़ी दूर और जाना है, तो रिक्शा में काफ़ी टाइम और लगेगा, तो रास्ता में नहीं चढ़ाता। ये बोल रहा कि मैं सिर्फ ओड़ा अपने गामे में चढ़ाऊंगा, अपना शहर में चढ़ाऊंगा जगह। तो अपने के इसके विचार पर कितने संतुष्ट हो, के कुछ कहना चाहोगे, अपनी सोच विचार अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में जरूर देनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है जी।